यहां पर टेलीप्राइम में हमको कैलकुलेट करना है टीडीएस, ठीक है। तो यहां पर फीस के ऊपर हम करेंगे, ये हम टैली ईआरपी 9 में करके देख चुके हैं। तो फीस के ऊपर अगर आपको टीडीएस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले F11 की प्रेस कीजिए ताकि हम टीडीएस के फीचर को ऑन कर सके। तो यहां से देखिए, ये टीडीएस वैट का फीचर हम ऑफ कर देते हैं और टीडीएस का फीचर हम ऑन कर लेते हैं। तो ये टीडीएस आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो यहां पर इसको यस कर दीजिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही एंटर प्रेस कीजिएगा तो ये सारी डिटेल आप फिल करके और फिर यहां पर रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि टीडीएस काटेगा उसका पैन नंबर वगैरह वगैरह ये सब आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं कर देता हूं इस तरीके से, ओके। और बाकी सारी डिटेल तो फिल ही है, तो इसको एंटर 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 प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। पैन नंबर उनका जरूर डालिएगा और कंट्रोल ले करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है, इसी तरीके से आपको करना है। तो ये आपका टीडीएस फीचर हो जाएगा चालू, ठीक है। अब आपको एंट्री पास करने के दौरान कहां जाना है, जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री पास होती है, जो एंट्रीज कहीं भी नहीं पास की जा सकती है, मींस कि जो एंट्री ना तो परचेज में होती है, परचेज यानी खरीदना, जो एंट्री सेल्स, सेल्स यानी कि बेचना। तो जो एंट्री ना तो परचेज में हो, ना तो सेल्स में हो, ना तो पेमेंट में हो, ना तो रिसिप्ट में हो, ना तो कंट्रा में हो, कहीं भी ये एंट्री पास नहीं की जा सकती है, तो ऐसी एंट्री पास होती है जनरल वाउचर में, क्योंकि ये टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए हम चलते हैं जनरल वाउचर में। F7 फंक्शन की प्रेस करते हैं तो हम आ जाएंगे जनरल वाउचर में। अब आपको देखने को मिलेगा डेबिट। तो डेबिट का मतलब क्या है कि यहां पर क्या लगाना है आपको, जो भी आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं फीस की बात कर रहा था, तो अल्ट सी करके हमें फीस का एक खाता बनाना होगा, एक लेजर बनाना होगा, फीस कलेक्टेड। इसी नाम से मैं एक खाता बना लेता हूं, एक लेजर क्रिएट कर लेता हूं, और ये होता है इनडायरेक्ट इनकम। जो संस्था फीस को कलेक्ट करती है उसके लिए ये होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो इसको इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में रख दीजिए आप, एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। टीडीएस जो है इसको आपको डिफाइन करना होगा, तो यहां एप्लीकेबल जरूर कीजिएगा। और फिर यहां आ रहा है एनी, तो यहां नेचर ऑफ पेमेंट अल्ट सी करके मैं बना लेता हूं, लाइक मैं यहां पे लिख देता हूं फीस कलेक्टेड, कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है, बाय स्कूल। तो ये कर दिया हमने और एंटर प्रेस किया, ठीक है। और यहां पर इसका 106 और जे एंटर प्रेस करेंगे, पेमेंट कोड जो भी हो वो यहां पे डाल दीजिएगा, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और कुछ इस तरीके से करते हुए, एंटर प्रेस करते हुए यहां पर जब आइएगा तो पैन कार्ड है तो 10% डिडक्ट होगा टीडीएस, अदरवाइज ज्यादा डिडक्ट होगा। और इसकी जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी कितनी होती है। तो ये जो फीस कलेक्शन होता है इसकी जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो होती है 30,000। 30,000 रुपए से ज्यादा होगा तो आपका टीडीएस डिडक्ट होने लगेगा, ये क्राइटेरिया होती है इसमें, ठीक है। अब इसको मैंने एक्सेप्ट करा लिया। अब यहां पे कितना फीस कलेक्ट हुआ है तो वो यहां पर डाल दीजिए। मान लीजिए कि 1,00,000 रुपया फीस कलेक्ट हो रहा है तो ये मैंने डाल दिया। अब यहां पर आ गया है क्रेडिट। अगर आपका यहां पे क्रेडिट ना आए तो यहां पर जाकर के कीबोर्ड से टाइप कर दीजिएगा CR, तो क्रेडिट आने लगेगा, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक क्रेडिटर पार्टी अलग से बनाते हैं हम, तो अल्ट सी करके एक और क्रेडिटर पार्टी के लिए लेजर बनाते हैं, लाइक यहां पर मैं कर देता हूं घनश्याम, तो ये लिख दिया मैंने घनश्याम कुछ इस तरीके से। और ये एक क्रेडिटर पार्टी है, यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप चूज करेंगे, ये सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी लेकिन टीडीएस डिडक्टेबल तो यस रहेगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो है नहीं, कंपनी रेजिडेंस है क्या है, तो ये जो भी आपका है वो आपको डालना होगा। तो ये कंपनी नॉन रेजिडेंस में कर सकता हूं या फिर कुछ और, जो भी आपका ये डिडक्टिव टाइप हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये कंपनी नॉन रेजिडेंट रख के दिखा देता हूं। एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे। ये ध्यान रखना है कि पैन कार्ड डालना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, तो पैन कार्ड जरूर डालिएगा, पैन कार्ड का जो नंबर है वो जरूर डालिएगा, ठीक है। बिना पैन कार्ड के नंबर के ये आपका काम नहीं करेगा और टीडीएस कैलकुलेट नहीं होगा। प्रोवाइड पैन डिटेल, पैन डिटेल को भी यस कर दीजिएगा, एंटरप्रेस कीजिएगा, एंटरप्रेस कीजिएगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो यहां आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, देख सकते हैं। यहां न्यू रेफरेंस करिएगा, एंटरप्रेस कीजिएगा, एंटरप्रेस कीजिएगा, एंटरप्रेस कीजिएगा, और एंटरप्रेस करके जैसे ही नीचे आएंगे तो फिर यहां क्रेडिट ही दिखाई पड़ेगा। अगर आपको डेबिट दिखे, DR दिखे यहाँ पे, तो आप वहां पे CR कर दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, कीबोर्ड से। अब यहां पर आते हैं तो यहां एक TDS का लेजर बनेगा, ठीक है। TDS @10% मैं कर देता हूं इस तरीके से, ये लेजर मैं क्रिएट कर लेता हूं। और ये किस में जाएगा, TDS क्या होता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में जाता है, ये टैक्स ही है ना, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। एंटरप्रेस कीजिएगा और यहां पे इसको TDS रखिएगा। TDS रखने के बाद फी कलेक्टेड बाय स्कूल, ये हमने बनाया था नेचर ऑफ पेमेंट, तो ये हम कर देते हैं और एंटर
एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो जैसे ही कराएंगे तो दिखाएगा कि 10,000 रुपया टीडीएस कटा है। 1,00,000 का 10% कितना होता है? 10,000। ओके, तो ये 10,000 आ गया है। और अब यहाँ पे चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं आप, टीडीएस डिडक्टेड, ये डाल दिया हमने नरेशन में, बस छोड़ देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये आपकी एंट्री हो जाती है पूरी इस तरीके से। ये बहुत आसान है टीडीएस डिडक्ट करना, और यहाँ पे जाकर के आप देख भी पाएंगे फीस कलेक्टेड यही आपका था। तो इसको अगर प्रिंट विंट करवाना चाहते हैं, अल्ट पी करके और यहाँ आई बटन प्रेस कीजिएगा, सब आपको दिखेगा क्या क्या डिटेल किस किस तरीके से ये आई हुई है। ठीक है, आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।